नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनको सैमसंग के गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में गैलेक्सी AI फीचर के अपडेट का काफ़ी टाइम से इंतजार था, क्योंकि हमारा दोस्तों जो सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है जो कि एक लेटेस्ट डिवाइस है, उसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम से लोग जो हैं S23 अल्ट्रा को जो यूज़ कर रहे थे, उनको काफ़ी टाइम से वेट था कि कब इस फ़ोन में हमें एक नया अपडेट देखने को मिलेगा जिसमें हमें सैमसंग के S24 अल्ट्रा वाले फीचर देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों इंतजार ख़त्म हो चुका है, जो अपडेट था वो दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है। आज ये दोस्तों अपडेट आया है 28 मार्च को, और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ये देखिए इसका साइज था दोस्तों 3110 MB समथिंग। दोस्तों ये 3 GB से ऊपर का ही है, बट इसमें जो मार्च का अपडेट है वही है लेटेस्ट वाला। और हमें दोस्तों जो फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों एक बार वीडियो को पुश करके रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इतना नहीं समझा पाऊँगा, बट मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर कि हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो अपडेट है दोस्तों ये सिर्फ मैंने अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड किया है 6.1 में, बट मैंने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया अपने फ़ोन में। तो मैं आपको अभी अपना फ़ोन दिखाता हूँ, जो देखिए पहले फीचर दिखाता हूँ ऑल्ड चेन पे, कि हमें दोस्तों जो सारे जो फीचर हैं जो हमें इस अपडेट के बाद अपने फ़ोन में देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे फीचर हैं जो हमें AI के अंदर देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप इसको दोस्तों वीडियो पोस्ट करके भी रीड कर सकते हो कि हमें क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे फीचर हैं। तो दोस्तों मैं आपको जिस सारी चीज़ें छोड़ कर, क्योंकि ये दोस्तों हमें जो भी मिल रहा है जो मिल रहे हैं हमें फ़ीचर जिनके बारे में बताया गया है, बट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जितना हो सकेगा उतना। तो ये देखिए अभी मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा जो इंटरफेस है दोस्तों वो इस तरीके का है, तो मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की हमारी सेटिंग है, आप देख लेना। और जो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है वो इस तरीके का है। अब दोस्तों मैं आपको जो अपडेट है वो अब इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि किसी फ़ोटो के ऊपर हम इस थोड़ा डाउन कर रखते हैं तो रिंग बना देते हैं, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इस फ़ोन पर इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जो दोस्तों अपडेट हो रहा है, तब तक मैं आपको इसको अपडेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा फ़ोन जो है अपडेट हो चुका है। मेरा जो नया अपडेट आया था इस फ़ोन में वो मैंने इंस्टॉल इसमें कर लिया है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले चेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर टाइम आ रहा है, टाइम अपडेट आ रही है, ये दोस्तों पहले वाइट कलर से आ रहा था जो ऑटोमेटिक ही दोस्तों ऑटोमेटिक, इसमें पिंक कलर आ चुका है। अब ये कैसे क्या चेंज हुआ है ये दोस्तों अभी आप अंदर जाकर चेक करूँगा मैं। तो पहले मैं इसका लॉक खोलता हूँ। तो ये देखिए ऊपर शो हो रहा है वेलकम टू 1 UI 6.1, और उसके बाद दोस्तों जो भी फीचर वगैरह हैं वो हमें इसमें एक्सप्लोर होकर मिल जाएंगे। तो सब कुछ दोस्तों आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो गेट रियल टाइम ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग वॉइस कॉल, सैमसंग कीबोर्ड इंटरप्रेटर, और दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप एक दिन में सारे फीचर देख नहीं पाओगे। काफ़ी भर भर के फीचर दिए गए हैं वन गैलेक्सी AI के अंदर, जो दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो ऐसे फीचर हैं जो दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे ऐसे चीज़ दी गई हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डन कर सकते हो, इनके बारे में दोस्तों आप जान सकते हो। ये देखिए तो फिलहाल दोस्तों मैं इनको बैक करके डन कर देता हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। तो दोस्तों जो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है वो दोस्तों उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये 1 UI है 6.1, इसमें हमें
कुछ अलग तरह का इंटरफेस नहीं मिलता, बट जो मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप गैलरी में आ जाओ, गैलरी में दोस्तों मैं आपको कोई फोटो दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए ये फोटो है दोस्तों, जो फोटो है एक मंदिर की। अब मैं इसमें एक सर्च करता हूँ, दोस्तों फोटो ऊपर नहीं हो रहा है, बाकी देखते हैं किसमें क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में आगे, क्योंकि अभी मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हमें मिल गया कैसे मिल रहा है और हमें यूज कैसे करना है उस AI फीचर का। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो अपडेट था वो था दोस्तों बनी हुई 6.1 का, जिसमें हमें गैलेक्सी AI फीचर मिलते हैं। जो देखिए अब दोस्तों इसमें हमें क्या क्या फीचर मिल रहे हैं, वो यूज कैसे करने हैं, ये सब मैं आपको अगली एक वीडियो बना कर दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना। फिलहाल दोस्तों आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है, तो आप भी फटाफट से कर लो, और आपको क्या क्या चेंजेस मिले हैं, आप इनका यूज़ कर पा रहे हो अच्छे से, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।